जो है ना वो अपनी बहन फिज़ा को कहेगी कि भाई तुमने मेरे ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए, लेकिन मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती थी और करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बुराइयाँ सही, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन ये बात हकीकत है कि जब मुझे इस चीज़ का हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि जिस शख्स से मैं मोहब्बत कर बैठी हूँ एक्चुअल में वो तुम्हारा शोहर निकला, लेकिन अब मैं उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती हूँ। मैं नौशेरवा से प्यार करती हूँ, उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिज़ा को भी सारी हकीकत मालूम हो जाएगी और वो उसको माफ़ी मांगेगी, कहेगी कि नहीं दुआ तुम माफ़ी ना मांगो, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी इस कंडीशन में भी तुम्हारा लिहाज नहीं देखा। मुझे सिर्फ अपनी औलाद नज़र आती थी, जबकि मैंने ये नहीं सोचा कि तुम भी तो एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। यहाँ पर सरफराज को भी अपनी हकीकत मालूम हो जाएगी कि वो कितना चीप और घटिया इंसान निकला, और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और सबसे माजरत मांग